सीधा पवन मिश्रा का रुख कर रही हूं, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। पवन, क्या जानकारी, अपडेट आपके पास क्या है इस मामले से जुड़ा? आप मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल, आपको ककरौली विधानसभा का उपचुनाव चल रहा था और बूथ संख्या जो आप देख रहे हैं 11 की संख्या पे, जहां पर जब गांव वाले यहां वोट देने के लिए जाते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि उनका वोट पहले से ही पड़ चुका है। और कुछ महिलाएं और जो यहां हैं, तमाम आप यहां भीड़ देखिए, जो तमाम यहां पर लोग हैं इनके पास पहचान पत्र है, वोटिंग कार्ड लेकर के आए हैं। इनका ये कहना है कि इनका वोट पहले से ही पड़ चुका है, लेकिन हकीकत क्या है इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शाहनवाज। क्या हुआ था? वोट गिरने जा रहे थे जी, उसने कहा क्या नाम देख के बोली, हाँ क्या नाम है, मैं कहा मोहम्मद शाहनवाज। उसने कहा जाइए आप, मुसलमान का वोट नहीं गिरने देने का, मैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से आदेश है। ये बात किसने आपको कहा? ये वे बैठे पुलिस वाले। चलो आप वोट देने का, क्या नाम है आपका? निशार अहमद। अच्छा, आपका पहचान पत्र क्या, दिखाइए। आपको क्या कहा गया? मैंने कर दिया, भाग जाओ, घुमटागर्दी करना है ये कहा हमें। चलो अच्छा, कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं। क्या क्या नाम है आपका? वरिषा। अच्छा, वोट देने के लिए गए जी? वोट गिरने गए तो उसने कह रहा भाग जाओ यहाँ से, अन्नों का ठंडा उंडा लगेगा। अच्छा, वोटिंग कार्ड है आपके पास? सारा सामान है साथ है ये। तो सब ये वोटिंग कार्ड है, ये लोग दिखा रहे हैं कि इनके पास वोट देने के लिए गए थे, लेकिन ये समुदाय का नाम लेकर के क्या जी हम वोट डालने गए थे। आपका नाम क्या है? मुझे मोहम्मद आसिफ ककरौली। कहने लगा आप मुसलमान का वोट यहाँ पे नहीं गिनने, भाग जाओ यहाँ से, दंडा साजिश हो जाएगा। ये बात आपसे कौन कह रहा है? पुलिस वाले भी बैठे सामने बैठे हैं। भाई साहब आप चले जाओ यहाँ। आपने भी वोट दिया जी? देने गए थे जी वोट, हमने बोले कि डंडा मार देंगे, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारा वोट नहीं, ये रहा हमारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब चीज़ें। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आमिर सुहेल। मैं गया था 10 बार जा लिया सुबह से, मैं मार के भगा दे हैं, ये कह दें वोट नहीं डालेगा बिल्कुल भी। और एक बार तो अभी पीछे यहीं तक भागे मेरे पीछे, ये इनके प्रशासन की राजनीति नहीं चलेगी, अब कभी ना कभी तो सरकार बदलेगी, ये सरकार एक ये नहीं रहेगी, अब 27 में बदलेगी, अब नहीं बदलेगी तो धीरे धीरे जनता को समझ आ रहा है, समझ जनता अपनी वो कर रही है पूरी कोशिश वोट डालने पर, वोट डालने नहीं दे रहे बिल्कुल भी, ये नहीं चलेगी अब तान साई बिल्कुल भी। आप भी वोट देने गए थे, क्या हुआ था? आइए इधर आइए, आप भी वोट देने गए थे जी? ये बोला था कि मुसलमानों की जो 6-7 लेडीज है उन्हें बंद कर रखा है लेडीज पुलिस ने, हमने क्या किया उन्हें किस लिए, कह लगे आप चले जाओ आपकी कोई वोट नहीं गिरेगी अगर अपनी इज्जत चाहो, यूँ बता दिया बस इतनी बात। तो आपने दिखाया ये अपना दिखाया ये दिखाया, इसे देखते ही वापसी कर दिया, कहने लगे डंडे खाओगे या मतलब वो करोगे और डर लोगे, अपनी इज्जत चाहो तो चले जाओ। आपके साथ भी क्या जी? ऐसा ही कहा जी, ऊपर से आदेश है, क्या नाम हमारे, हमारी वोट नहीं गिनने की, हमने कहा क्यों नहीं गिनने की, बस चले जाओ, तब नहीं मार के गिर देंगे। तो आपके साथ में ही हुआ जी? यही हुआ जी, वोट गिरने गए थे, पहले नाम पूछकर लगा आप वापस जाइए बिल्कुल भी, नहीं तो डंडे मारेंगे हम, क्या फायदा होगा, बेइज्जती होगी। मैं क्यों भाई? क्योंकि हमें ऊपर से आदेश है जी, हम वोट नहीं गिरने देने के। चलिए हम आपको थोड़ा अंदर की तस्वीर भी दिखाते हैं जहां पर वोटिंग चल रहा है, वोटिंग सेंटर जो है, और कोशिश करते हैं कैमरा के माध्यम से, हालांकि हमें तो परमिशन नहीं है अंदर जाने की, लेकिन हम बात करेंगे। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्बास जैदी। अब्बास अली, तो क्या कर रहे हैं, मतलब क्या लोग अपने वोट देने आ रहे हैं तो क्या राइट नहीं मिल रहा है देने का उनके पास? नहीं, वो आ रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि वोट नहीं डलेगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, कौन कह रहे हैं? बस पता नहीं क्यों कहा जा रहा है, लेकिन मुसलमान को ज्यादा कहा जा रहा है, जो भी आ रहा है वो मुसलमान बंदा ही आ रहा है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अब्बास जैदी है, और जैसे कि सिचुएशन देखने में आ रही है, जो भी बंदे आ रहे हैं वापस वो यही बोल रहे हैं कि हमें डालने दे रहे हैं वोट, बल्कि कुछ ने तो ये भी कहा है कि टंडे बजा रहे हैं वो लोग, यही आ रहा है सर मसला। क्योंकि सर आप भी वोट देने गए थे? मैं भी वोट देने के लिए गया था और लट लेके पीछे भाग लिया, हमारे मुसलमानों को वोट नहीं डालने दे रहे, बोल रहे हैं कि नहीं डालोगे आप वोट। ये बात कौन कह रहा है? भाई प्रशासन पुलिस। अच्छा चलिए, अब तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि हालांकि तो तमाम यहां आश्चर्यजनक है पवन, आपने भी वोट देने, आप भी वोट, ये तो बड़ी तादाद में लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं, कैमरे पर लगा रहे हैं, और एक जैसे बयानबाजी अगर इनकी आ रही है सामने, प्रशासन कहाँ है? कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करते हैं सर। अंदर मैं जैसे मोबाइल बाहर देने आया और मैं अंदर जाने के लिए 5 बजे से अंदर था मैं, और फिर मुझे अंदर से जानते गाली गलौज करी मेरे साथ, और मेरे भागते हुए डंडे मारा सर यहाँ पर।
सब दिखला सर मैंने, सब दिखला मैंने, ये कुछ नहीं मानते हम बिल्कुल आपका मुसलमानों को वोट नहीं डालने देने के और आपका टाइम खत्म हो चुका आप भर जाइए सीधे। इसी तरीके कह रहे हैं मुसलमान को वोट नहीं डालने देने हमारे ऊपर से हंगामा सर जहाँ तक हंगामा कहीं इसको उठाओ पर्ची घर बनाओ जाकर अपने यहाँ पे मेरा बहुत जान डंडा मारा सर बतले आप। तो चलिए मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ जो तमाम यहाँ जो लोग हैं ककरौली का ये इलाका है और जब आप देख रहे होंगे 100 से अधिक लोग हैं। अभी वोट देने गए थे क्या? वोट देने जा रहे हैं, जा रहे हैं वोट देने। आपने वोट दे दिया? अभी जा रहे हैं, देखा होंगे। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने वोट दिया? अच्छा अभी चल डाल रहे हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि कोई समुदाय वर्ग की बात कही जा रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, समुदाय वर्ग की बात, सब यहाँ वोट डाल रहे हैं। जिसमें कुछ कमी है उसकी कमी में तो कोई दूर हो। क्या कमी? उनके पास पहचान पत्र है, आधार कार्ड, जिसके पास सब कुछ है उसकी वोट डल रही। आप जाके देखो मुस्लिम वार्ड में अंदर चेक करना कि मुस्लिम की वोट डल रही। अभी तो आपने वोट दिया नहीं है ना? हाँ जी। क्या इनके पास ये कार्ड है? जिसकी जिसकी सब सही है सब जाओ अंदर वोट डलो। इनकी क्या कमी नजर आ रही? नहीं कमी बताई किसी ने? कोई जा नहीं रहा के पास, अब कोई जावे जब तो बताओ।